नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बांदा जनपद आपराधिक गतिविधियों को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। आपको बता दें कि बांदा जनपद में एक ही परिवार के चार सदस्यों की धारदार हथियार से बीती रात हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और आपराधिक गतिविधियों को लेकर बांदा जनपद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। घटना की जानकारी के मुताबिक बांदा जनपद के गिरमा थाना अंतर्गत बड़ोखर बुजुर्ग गांव में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या हुई है। परिवार के मुखिया चुन्नू और उसकी पत्नी और उसकी भाभी के साथ साथ चुन्नू के मासूम पोते की भी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस ने चुन्नू के बेटे बालेंद्र को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। सुबह सूचना मिली कि ग्राम बड़ोखर बुजुर्ग, जो कि थाना गिरमा क्षेत्र में लगता है, वहाँ एक घर में उस परिवार के चार लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसमें कि एक व्यक्ति चुन्नू कुशवाहा, जिनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास की बताई जाती है, उनकी पत्नी, उनका पोता और उनकी भाभी, इन चारों लोगों की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर हम सभी लोग यहां मौके पर पहुंचे। हमारे साथ फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने डिटेल से सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया है। अभी जो एनालिसिस करके ये देखा गया है कि धारदार हथियार से इन लोगों की हत्या की गई है और घर में किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास नहीं किया गया है। और जो लोग हैं, इन लोगों के बीच में आपसी एक विवाद सामने आया है, जिसमें कि इनका लड़का जो है उससे इन लोगों का लगातार विवाद चल रहा था। चुन्नू कुशवाहा का लड़के की जो ससुराल पक्ष है उससे इन लोगों की लगातार नहीं बन रही थी, जिसके कारण से चुन्नू कुशवाहा की जो बहू हैं वो अपने मायके में रह रही थी पिछले 2 सालों से, और पिछले 3 दिनों से जिनका लड़का है चुन्नू कुशवाहा का, वो भी अपने घर पे नहीं रह रहा था। इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है और प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि इनके लड़के ने ही इस तरह की कोई पारिवारिक रंजिश को लेकर ये घटना कराई है। इनके लड़के को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बॉडीज़ को मॉर्चरी भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। FIR लिख के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची बालेंद्र की पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति दूसरी शादी करना चाहता था, शायद इसी कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। उसका कहना है कि वो उसकी भी हत्या करना चाहता था, लेकिन कुछ समय पहले ही वो अपने मायके चली गई थी और अपने मायके में ही रह रही थी। क्या नाम है आपका? नीता। नीता जी, जिन लोगों की मौत हुई है वो आपके कौन कौन लोग हैं? मेरे ससुर, सास, लड़का। क्या लग रहा है आपको, ये हत्याएं क्यों हुई हैं? ये मुझे लग रहा है कि घर वाले ने किया है। आपके घर वाले ने? क्यों? क्योंकि दूसरा शादी करना कर था, तो मुझको ने मानने के दौरा तो मैंने भाग गई, तो मेरे लड़कों को मारा और घर वाले को मारा। इस वक्त ये घटना हुई, आप कहाँ थी? मैं गांव में थी। आप अपने गांव में थी या यहाँ ससुराल में? ससुराल में नहीं, मायके में। तो आपको कैसे लग रहा है कि ये घटना जो है उसने दूसरी शादी करने के लिए की है? तो ये मुझसे कह रहा था कि तुम यहाँ आ जाओगे तो तुझे मारूंगा। इस घटना में क्या सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।